हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक सिंह परिहार। वेलकम टू माय चैनल। टुडे आई विल डिस्कस एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 2। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इफ टू इक्वल कर्ड ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कर्ड आर इक्वल टू करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कर्ड। हमें क्या प्रूव करना है? जो कर्ड सी डी का जो सेगमेंट है सी ई इक्वल टू ए ई और देन बी ई और ED, EB और ED एक सेगमेंट और EC और EA ये दोनों सेगमेंट आपस में इक्वल हैं, ये हमें प्रूव करना है। और हमें पता है कि AB और CD दो इक्वल कर्ड हैं। देन गिवेन AB इक्वल टू CD, टू प्रूव ए इक्वल टू सी ई एंड बी ई इक्वल टू डी ई, प्रूव वी ड्रॉ परपेंडिकुलर ओ एम एंड ओ एन। आप डॉटेड में देख रहे हो, इन दोनों को ड्रॉ किया जाएगा, ओ एम और ओ एन, जो हमारे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, ओ एम और ओ एन। ओके, ओ एम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर ए बी पे एंड ओ एन परपेंडिकुलर होगा सी डी पे एंड ए एम इक्वल टू बी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। आपको पता है सी डी पे जब परपेंडिकुलर ओ एन पड़ गया, और इस तरह अगर हम बात करें और यहाँ पर ए बी पे परपेंडिकुलर ओ एम पर, ठीक है, जब हम ए बी परपेंडिकुलर ओ एम डालेंगे तो आपने थ्योरम पढ़ी होगी, जब भी सेंटर से कोई परपेंडिकुलर किसी भी कर्ण पे पड़ता है तो इक्वली बाइसेक्ट कर देता है, तो ए एम और बी एम आपस में इक्वल हो जाएंगे, इसलिए हमने मेंशन किया ए बी ए एम इक्वल टू बी एम इक्वल टू हाफ हाफ ए बी। देन एज इट इज सी एम इक्वल टू एन डी हाफ हाफ सी डी, सेम केस यहाँ भी हो जाएगा, ये सी डी सी डी पे परपेंडिकुलर ओ एन जैसे डाला हमने, सी एन और एन डी आपस में इक्वल हो गए, है ना, तो सी एन इक्वल टू एन डी इक्वल टू हाफ हाफ सी डी। देन हमें पहले से पता है ए बी इक्वल टू सी डी, जब ए बी और सी डी आपस में इक्वल हैं तो इसकी हाफ 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 ए बी हाफ हाफ सी डी, ये भी आपस में इक्वल होंगे, जिसे हम बोल सकते हैं ए एम इक्वल टू सी एन, है ना, ए एम इक्वल टू सी एन। जब ए बी और सी डी आपस में इक्वल हैं तो इनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे, तो ए बी का हाफ ए एम और सी डी का हाफ सी एन, ये भी आपस में इक्वल होंगे। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन वन। देन बी बी एम इक्वल टू एन डी, इसी तरह अगर ये बी एम है बी एम इक्वल टू एन डी भी होगा, क्योंकि ये भी इसका हाफ पार्ट है। इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन, और स्पेस नहीं है तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इन ट्रेंगल ओ एन ई, ओ एन ई एंड ट्रेंगल ओ एम ई,
आप देख पा रहे होंगे ONE ट्रेंगल है और दूसरा ट्रेंगल OME, इन दोनों ट्रेंगल को आपस में कन्ग्रेंस दिखाना है। ठीक है, जब हम आपस में कन्ग्रेंस दिखा लेंगे तो और भी चीज़ें हमारी प्रूफ होती चलेगी। ठीक है, अगर हम डिस्कस करते हैं OE इक्वल टू OE, ये कॉमन साइड है, देन ON इक्वल टू OM इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, देन एंगल OME इक्वल टू एंगल ONE इक्वल टू राइट एंगल 90 डिग्री, है ना। अब देख पा रहे हो जब भी परपेंडिकुलर किसी कर्ण पे पड़ता है तो वहाँ 90 डिग्री एंगल बनता है ना, परपेंडिकुलर पर 90 डिग्री यहाँ भी और यहाँ भी, इसलिए एंगल ONE और एंगल OME 90 डिग्री हो गया, आपस में इक्वल हो गए। देन और यहाँ पर अब आप जानते हो कि यहाँ आर्चेस रूल लगे, आर्चेस के लिए क्या चाहिए, 90 डिग्री एंगल चाहिए और एक हाइपोटेनियस सामने वाली साइड चाहिए एंगल के, और एक कोई भी चाहे परपेंडिकुलर या बेस कोई एक साइड और चाहिए। तो हमें ये परपेंडिकुलर मिल चुका है OM और हमें 90 डिग्री एंगल मिल गया और ये कॉमन साइड OE मिल गई, जिससे यहाँ आर्चेस रूल लग जाएगा और ये आपस में कन्वर्जेंस हो जाएंगे। तो ट्रेंगल ONE इक्वल टू ट्रेंगल OME आपस में कन्वर्जेंस हो गए, किससे, आरएचएस रूल से। ठीक है, आरएचएस रूल से कन्वर्जेंस हो गए, देन साइड ME और यानी आपस में इक्वल हो गए, ME इक्वल टू यानी ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो गई। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 3 लेट कर ले रहे हैं। ठीक है, देन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है, अब पीछे स्लाइड में जाके आप देख सकते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, AM इक्वल टू CN। ठीक है, तो हम मेंशन करेंगे AM प्लस ME इक्वल टू CN प्लस, यानी अब आप स्लाइड में देख, आप क्वेश्चन में इसमें देखो फिगर में AM यहाँ से यहाँ तक AM है, हम हाईलाइट कर रहे हैं AM और ME क्या है, ये ME है, इन दोनों को ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हम मेंशन कर सकते हैं AE इक्वल टू, अब CN देखते हैं, ये CN है और ये ME है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, CE। ठीक है, ये एक बात प्रूव होती है, A इक्वल टू C, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है, लास्ट स्लाइड में देखते हैं, BM इक्वल टू ND। ठीक है, तो हम BM माइनस, थर्ड इक्वेशन क्या है, माइनस ME, और यहां पर क्या होगा, DN सेकंड इक्वेशन का और थर्ड इक्वेशन का ME। ठीक, अब फिगर में देखते हैं, देखिए BM कहाँ है, ये BM है
और अगर बी एम में हम एम ई माइनस कर देंगे क्या बचेगा, बी ई बचेगा, है ना। तो यहाँ पर आएगा बी ई, और फिर हम डी एन देखते हैं, ये रहा डी एन, डी एन, और डी एन में अगर एन ई माइनस कर देंगे क्या बचेगा, ई डी या डी ई, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं डी ई, ठीक है। ये हमारा दूसरा पॉइंट, ये हमारा दूसरा पॉइंट भी प्रूव हो गया, ठीक है, प्रूव दैट। ये हमें प्रूव करना था कि जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट है वो भी आपस में इक्वल है। तो ए ई, ए ई इक्वल टू सी ई हमें प्रूव करना था, और देन बी ई इक्वल टू ई डी प्रूव करना था, और ये हमारा प्रूफ हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।